मल्हार सरकार के इस सवाल से हिल गई गौतमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार को इतने साल हो गए हैं गौतमा के साथ रहते रहते, तो गौतमा की हर बातों से वो जानकार है, उसके स्वभाव को वो जानते हैं। इसीलिए जो खाने वाला सीन हमने देखा उसमें ऐसी ही बातें हुई, मगर एक सवाल मल्हार सरकार ने गौतमा की तरफ फेंका। गौतमा उस समय चुप हो गई, जवाब मिलेगा हमें, मगर हम भी सोचते हैं कि गौतमा के साथ क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गौतमा को मनाने का मल्हार सरकार के पास अपना ही एक तरीका है। जैसे वो पहले उनको जो घूम रहे थे अहिल्या को ढूंढते ढूंढते वहां से वो ले गए कि चलो पति के साथ चेस खेलो, वैसा ही उनको पहले से ही पता था कि मैंने अहिल्या को दरबार में बुलाया है और गौतमा को वहां पे रोका है कि अहिल्या दरबार में आएगी, और वो जानते हैं कि बार बार गौतमा अहिल्या को दरबार में आने से क्यों मना करती है। तो उनको पहले से पता है कि आगे गौतमा क्या करने वाली है, और उसी रिवायत के चलते वो अपने कमरे में या गौतमा के कमरे में खाना मंगवाते हैं और खाते हैं, और वहां पे वो ये बात कहते हैं और बताते हैं कि हमें पता है कि ऐसा ही होगा, और खाने की तारीफ करते कि आज तो ज्यादा ही गुस्सा, जो पति पत्नी के आपस की बातें जो भी है। मगर यहाँ पे वो जब ये सवाल करते हैं कि इतनी समझदार सुगर और बहुत सारे विशेषण के साथ, वो कहते हैं कि इतनी अच्छी सुनवाई की तुम तारीफ क्यों नहीं कर पाती हो, क्यों तुम्हारे, तुमको क्या रोकता है उसकी प्रशंसा करने के लिए, और गौतमा चुप है। यह सवाल तो गौतमा ने कभी अपने आप को भी नहीं पूछा होगा, क्योंकि वो जानती है कि अहिल्या काबिल है, अहिल्या के अंदर ये सारे गुण हैं जो मल्हार सरकार ने कहे हैं, क्योंकि अहिल्या कामकाज भी देखती है और घर का काम भी देखती है और हर तरह के काम के लिए वो सक्षम है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ऐसे लोग अगर आपके वाड़े में हैं, आपकी सुनवाई है, तो आपको तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप तो उनको, लोग तालियां बजाते हैं दरबार में, आप तो उनको गालियां देती हो, तो ये डिफरेंस है। इसलिए मल्हार सरकार का ये सवाल सुन के गौतमा चुप हो गई, जो कि आगे बोलेगी सोचने लग गई। तो जो गौतमा के अंदर की जो पीड़ा है वो यही है कि अहिल्या खंडेराव से आगे कैसे निकल सकती है, और इसके लिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि खंडेराव इस काबिल है। खंडेराव जब तारापुर किले को जीत के आए थे तो खंडेराव की वाहवाही हुई थी, खंडेराव के लिए तालियां बजी थी। तो जब दोनों पति पत्नी इतने कामयाब हैं, इतने काबिल हैं, तो दोनों को ही सराहो ना। ऐसा क्यों गौतमा बार 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 कर रही है कि अहिल्या की आगे जो है प्रसिद्धि नहीं जानी चाहिए खंडेराव से, जबकि खंडेराव खुद खुश होंगे कि अहिल्या की प्रसिद्धि हुई और प्रजा की भलाई के लिए एक और अच्छा काम जो है अहिल्या ने कर दिया। वहां पे राजपुताना मुहिम में खंडेराव अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, खंडेराव अपना काम कर रहे हैं, इधर अहिल्या दरबार में अपनी प्रजा के लिए काम कर रही है, तो इसमें गौतमा को प्रॉब्लम क्या है? तो जो प्रॉब्लम है गौतमा की बहुत ही बचकानी है, बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम है जिसका फायदा हर कोई उठा रहा है, कोई भी रानी आके उनको कुछ भी कह देती है, इवन नौकरानी भी कह देती है। तो ये गौतमा को समझना पड़ेगा, ये सवाल आम सवाल नहीं है, ये विचरण का सवाल है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का सवाल है कि ऐसा क्यों मैं नहीं कर पाती हूं जबकि मुझे पता है कि वो काबिल है। तो ये मुझे लगा कि अभी जरूर गौतमा इस बात को सोचेगी और मल्हार सरकार उसको समझाने की कोशिश फिर से करेंगे। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।